वैशाली में क्या होगा या वैशाली का क्या होगा? सुनने में दोनों सवाल करीब करीब एक जैसा ही लगता है, पर फर्क जमीन और आसमान का है। लोकसभा चुनाव का आगाज होते ही आम से खास तक और मोहल्लों की अट्टालिकाओं से चाय पान की दुकान तक लोगों की उत्सुकता यह है कि इस बार कौन जीतेगा या कौन हारेगा। कई लोगों ने मुझसे भी यही सवाल पूछे हैं, पर मेरी दिलचस्पी इसमें नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा। दरअसल हम इन्हीं सवालों में उलझकर बुनियादी समस्याओं को खो देते हैं। आज हम उन्हीं ज्वलंत संभावनाओं को टटोलने की कोशिश करेंगे। आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके अंतर मन को तरंगित कर दे तो मेरा प्रयास सार्थक हो जाएगा। नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र झा और आप देख रहे हैं केकेएन लाइव। खबरों की खबर और लीक से हटकर खबर के सेगमेंट में आज हम दुनिया को गणतंत्र देने वाले बिहार के वैशाली लोकसभा की बात करेंगे। मुझे अच्छे से मालूम है कि आप में से अधिकांश लोग जीत हार का गुना गणित पूरा करके बैठे होइएगा। दिलचस्प बात यह है कि आप जो भी कर चुके होंगे, आपके समझ से वही अंतिम सत्य भी होगा। जो आपके हिसाब से बोलेगा, उसकी आपकी नजर में वही ईमानदार कहलाएगा, अन्यथा बिका हुआ ठप्पा लगने का प्रचलन रहा है। खैर, हम आज जीत या हार का गणित लेकर नहीं आए हैं। मुझे पता है कि भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी जैसे भारी भरकम शब्द आज अपना अर्थ खो रहा है। अर्थ खोने से मेरा मतलब यह है कि अब महंगाई को लेकर न कोई आंदोलन होता है और न ही कहीं कोई आक्रोश देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे लोगों ने महंगाई को आत्मसात कर लिया है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार को लेकर भी हम लोग सेलेक्टिव हो गए हैं। हम ही में से कई लोग इन्हीं भ्रष्टाचारियों के बचाव में खड़ा हो जाता है, पूरी मुस्तैदी और मजबूती से खड़ा हो जाता है। कहते हैं कि हमारा वाला तो ठीक है, फंसाया गया होगा, उसका वाला भ्रष्टाचारी है। हमारे इसी सेलेक्टिव अप्रोच की वजह से भ्रष्टाचारियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। सोचिए यह कब तक चलेगा। यदि इसको इस बार भी रोका नहीं गया तो ईमान की जीत होगी, इसका उम्मीद पालना भी बेईमानी होगा। मैंने देखा है दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन को लेकर वैशाली की गलियों में चर्चा है, पर गणतंत्र की जननी कहलाने वाले वैशाली के लोगों में क्या यह साहस शेष बची है कि वह अपने उम्मीदवारों से यह पूछे कि आपके जीतने के बाद सरकारी कार्यालय में बिना चढ़ावा दिए मेरा आवासीय या जाति प्रमाण पत्र बनेगा क्या? क्या सरकारी बाबू समय पर दाखिल खारिज करेंगे? क्या थानेदार आम लोगों की सुनेंगे? सवाल ये कि क्या आप एक ऐसा प्रतिनिधि चुनने पर विचार कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जो सिस्टम और आपके बीच में सक्रिय बिचौलियों को समाप्त कर सके। यह तमाम छोटे छोटे सवाल हैं, पर इसके मायने बड़े हैं। कहते हैं कि सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार की बात बाद में करेंगे, पहले इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं पर अपने उम्मीदवारों से सवाल पूछकर देखिए, आपको बात समझते देर नहीं लगेगा। सच तो यह है कि आप इस विषय पर अभी सोच भी नहीं रहे हैं, बल्कि आप सोच रहे होंगे कि कौन जाति किसको वोट करेगा, फलां जाति वाले यदि ऐसा किए तो इसका क्या परिणाम होगा, मुसलमान का वोट एक मुश्त किधर जाएगा, अग्री जाति का वोट किधर जाएगा, पिछड़ी जाति का वोट किधर जाएगा, पिछड़ों में भी अति पिछड़ा कितना प्रतिशत किसके साथ जाएगा, और दलित वोट का एक हिस्सा इधर तो दूसरा हिस्सा किधर जाएगा। कहते हैं कि हम लोग जीत हार के इसी गुना गणित में जब तक उलझे रहेंगे तब तक मीनापुर में बूढ़ी गंडक नदी पर चांद परना हो या हरसेर, पुल बनाने की बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। घोसौत में अस्पताल के समुचित संचालन को कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। मोतीपुर में चीनी मिल के चालू करने की बात को कोई भी गंभीरता से नहीं लेगा। ये तमाम बातें बेईमानी समझी जाएगी। सभी प्रखंडों में किसानों के लिए मल्टीपर्पस कोल्ड स्टोरेज हो या खाद बीज की समय पर उपलब्धता,
हमारे रहनुमाओं के लिए ऐसे तमाम विषय कोई मायने नहीं रखेगा, क्योंकि उन्हें पता है कि समीकरण ठीक हो गया तो जीत पक्की है। जाहिर है उनका पूरा फोकस समीकरण बनाने में होगा, उनको करने दीजिए। आप तो पूछ ही सकते हैं कि सड़क तो पक्की बन गया, पर इस पर इतने स्पीड ब्रेकर हैं कि दूरी तय करने में पहले से अधिक समय लग रहा है, पेट्रोल की खपत भी बढ़ गई है। हमें इसकी शिकायत लेकर कहां जाएं? हमारी सुनने वाला कौन है? शराबबंदी कानून लागू है, बावजूद इसके नशेड़ियों की हरकत सरेआम जारी है। हाट बाजार से बाइक की चोरी की घटना में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गई है। सड़क लुटेरा और अपराधियों की गतिविधि थमने का नाम नहीं ले रहा है। छोटी छोटी घटनाओं को पुलिस हल्के में लेती है। ऐसे में आम आदमी जाए तो जाए कहां, किससे न्याय की गुहार लगाए? इस तरह के और भी कई सवाल हैं जो इसी लोकसभा चुनाव में मौजूद बन सकता है। अभी हाल ही की एक घटना है, मीनापुर थाना के अली नेवरा गांव की एक महिला कह रही है कि उसने अपने पति पर केस नहीं किया है, जबकि थानेदार का कहना है कि महिला ने अपने ही पति के खिलाफ आवेदन दिया है। महिला के कथित बयान को आधार बनाकर FIR दर्ज हो चुका है। अब वह महिला CGM के कोर्ट में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रही है। बावजूद इसके हमारे तमाम प्रतिनिधि कतिपय कारणों से चुप हैं। आखिर यह सिलसिला कब तक चलेगा? कहते हैं कि आम आवाम इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं से परेशान है। सवाल उठता है कि क्या हमारे उम्मीदवार इन सवालों के प्रति गंभीर हैं? चलिए इन बातों को छोड़ देते हैं, विकास की बात करते हैं। 5 साल में वैशाली लोकसभा क्षेत्र का क्या विकास हुआ? पताही में हवाई अड्डा, यह तो बहुत बड़ी बात है। इस इलाके से मजदूरों के पलायन में कितना कमी आया? जो सड़क 5 साल पहले बनना शुरू हो चुका था वह आज भी बन रहा है, आखिर वह कब पूरा होगा? नल जल लगा, बेशक लगा, पर कितने गांव हैं जिसमें 24 घंटा या कम से कम 12 घंटा ही पानी की सप्लाई हो रही है? एक अदद बिजली के बिल में गड़बड़ी हो जाए तो महीनों कार्यालय का चक्कर काटना पड़ता है। ऐसे और भी तमाम सवाल हैं, हम अपने नेताओं से तो पूछ ही सकते हैं ना। कहते हैं कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों से देश की संस्थाएं निपट रही है, इन छोटे भ्रष्टाचारियों से कब मुक्ति मिलेगी? ऐसे और भी कई सवाल हैं जिसका उत्तर जाने बिना यदि मतदान करेंगे तो आप अपना और अपने बच्चों के भविष्य के लिए खुद ही जिम्मेदार होंगे। ताज्जुब की बात यह है कि यह सभी कुछ गणतंत्र की जननी कहलाने वाले वैशाली में हो रहा है। कहते हैं कि बिहार के वैशाली का इतिहास काफी पुराना है। जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए यह एक पवित्र स्थल रहा है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर का इसी धरती पर जन्म हुआ था। भगवान बुद्ध ने अपने ज्ञान से इस धरती को सींचा है। इसको सम्राट अशोक की कर्म स्थली भी कहा जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वैशाली को विश्व में लोकतंत्र की प्रथम प्रयोगशाला के रूप में भी जाना जाता है। कहते हैं कि लिच्छवी राजवंश ने सबसे पहले यहां गणतंत्र की शुरुआत की थी। आजाद भारत में भी वैशाली का अपना महत्व रहा है। वैशाली लोकसभा सीट पर पहली बार 1952 में चुनाव हुए थे। सबसे पहले दिग्विजय नारायण सिंह यहां से निर्वाचित हुए थे। बाद में वो 6 बार लोकसभा के लिए निर्वाचित होते रहे, चुनाव जीतते रहे। संसद में वैशाली का वो कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। वर्तमान में वैशाली लोकसभा में कुल 6 विधानसभा है। इसमें मीनापुर, कांटी, बरुराज, पारू, साहेबगंज और वैशाली विधानसभा शामिल है। यहां 6ठे चरण में 25 मई को मतदान होना है। कहते हैं कि एक समय वैशाली को राजद का मजबूत गढ़ कहा जाने लगा था। राजद के वरिष्ठ नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह यहां से लगातार 5 बार सांसद निर्वाचित हुए। बस 2014 के मोदी लहर में वैशाली से राजद का किला ढह गया। बस 2014 की मोदी लहर में LJP की टिकट से रमा किशोर सिंह उर्फ रमा सिंह निर्वाचित हुए थे, जबकि बस 2019 में LJP के टिकट पर ही बीना देवी ने रघुवंश बाबू को मात दी थी। इस बार यानी बस 2024 में एक बार फिर से LJP की टिकट पर बीना देवी उम्मीदवार हैं। बेशक मोदी लहर का लाभ 2019 में बीना देवी को मिला, पर इस बार हालात थोड़े अलग दिखाई दे रहे हैं। इलाके में सक्रियता और विकास कार्यों में शिथिलता को लेकर इस बार उन्हें लोगों के जबरदस्त असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर RJD से मुन्ना शुक्ला मैदान में,
मुन्ना शुक्ला 2000 में वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक रह चुके हैं। इसके बाद वर्ष 2005 के फरवरी में LJP और नवंबर में JDU के टिकट से चुनाव जीतकर विधायक रह चुके हैं। हालांकि ब्रजबिहारी हत्याकांड में मुन्ना शुक्ला को जेल जाना पड़ा। इसके बाद उनकी पत्नी अनु शुक्ला को JDU का टिकट मिला और वो चुनाव जीत गई। मुन्ना शुक्ला इससे पहले दो बार वैशाली से लोकसभा में अपना किस्मत आजमा चुके हैं। पहली बार वर्ष 2004 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में 256,000 वोट उनको मिला था, करीब करीब इतना ही वोट मिला था, जबकि दूसरी बार वर्ष 2009 में JDU के टिकट पर चुनाव लड़े और करीब करीब 263,000 वोट बटोरने में तब भी कामयाब रहे। बहरहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में RJD के टिकट से मुन्ना शुक्ला के चुनाव मैदान में आने के बाद वैशाली लोकसभा में मुकाबला दिलचस्प होने के आसार बन गए हैं। अब देखना है कि वो किस करवट बैठता है। हम भी इंतजार करेंगे, आप भी इंतजार कीजिए, और अगर आपके मन में इस विषय को लेकर कोई सवाल हो तो कमेंट करके हमें भी बताइए। नमस्कार।